हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास सिक्स एनसीईआरटी इंग्लिश पैक्ट विद द सन का चैप्टर 9, विच इज़ व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, यहाँ पर बताया गया कि पोएट बता रहे हैं, मैं आपको पूरा हिंदी में डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। आप ये स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है, जो पाम्बूपत्ती की है। पाम्बूपत्ती एक विलेज है, जंगल के एजेस में जो विलेज है वहाँ के हैं। वो बहुत ही मतलब वास्ट फॉरेस्ट के अंदर, जैसे वो पाम्बूपत्ती जो है वो मॉसी ग्रीन कारपेट के टाइप का है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग काइंड के पीपल रहते हैं, कोई विलेज में डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, कोई अलग 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 लैंग्वेजेस बोलते हैं उन लोग। कोई मीट खाता है, कोई मीट नहीं खाता है, कोई प्रे करता है टेम्पल्स में जो फॉरेस्ट के एजेस में है टेम्पल, और कोई मॉसी में प्रे करता है जो कुछ दूरी है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि मेरा नाम प्रेम है और मैं 100 miles अवे रहता हूँ पाम्बूपत्ती के। सो मैंने कभी वो विलेज के विलेज में गया नहीं हूँ, अभी तक मैं जब से रह रहा हूँ अब कभी मैं गया नहीं हूँ। मुझे जाना है, मेरा मन कर रहा है मुझे जाना है। वहाँ पे बहुत अलग 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 डरावनी घटने सुनाई देते हैं। तो पता नहीं वो लोग अफवाह बोलते हैं, अफवाह देते हैं कि जो है असली में जो है वहाँ पे ये सब अजीब अजीब घटना होती है। जैसे बहुत बहुत पहले जो टेंपल्स और मॉस्क्यू जला दिए गए थे, ठीक है, तो लोग पागल हो गए थे, मैड हो गए थे। वो उन लोग फाइटिंग करने लगते थे एक दूसरे से, आधी रात में उठ के घर से चले जाते थे, हेट और वॉयलेंस की वॉइस सुना देती थी, घरों में आग लगा दिए जाते थे। तो मेरे को जाना था। तो अब राइटर ने क्या बोला, मैंने अपने कपड़े लिए, कुछ पैसे लिए और मैं मेरी गणेश की स्टैचू ली, ठीक है, और मैं भाग गया। तो एक दिन एक रात तक मैं भागता रहा और जो मेरे पैर है वो दुखने लग गए, क्योंकि मैं भागते रहा और बहुत दूर है ना हमारे घर से पाम्बूपत्ती। तो मैंने ट्रेन में गया, बस में गया, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं थी, नेवर माइंड यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो है मैं भागते रहा और मैंने पाम्बूपत्ती ढूंढ लिया। तो विलेजर्स जो थे वो गैदर्ड हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए और मेरी तरफ देखने लग गए। आई रैन टू डैम, मैं उनके पास गया और मैं कुछ बोलने गया, वैसे ही आई फेंटेड। फेंटेड का मतलब क्या होता है, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँखें खोली तब मैंने एक वाइट हेयर वाले आदमी को देखा, जिसकी पूरी वाइट दाढ़ी थी, मीन्स बियर्ड थी। वो उसकी आँखें जो है वो ब्लैक कलर की शाइन कर रही थी। और कुछ अगले दिन जो है मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता था वहाँ पे, कुछ मीठी मीठी चीज़ें मिलती थी, ठंडा ठंडा पानी मिलता था, हवा आती थी अच्छी सी वो जंगल में। मेरे सारे जो पैर के दर्द थे वो सारे चले गए, सारे भी दर्द मैं भाग के आया वैसे सारे दर्द थे वो चले गए। मेरे जो स्ट्रेंजर्स थे पाम्बूपत्ती के, मैं कोई जानता नहीं उन्हें, लेकिन वो मेरे क्या बन गए, नेबरर्स बन गए। सब लोग मेरे पास आए, विजिट किए मेरे को। फिर एक वो बूढ़े आदमी को मैंने पूछा, टेल मी ग्रैंडफादर, मैंने उनको एक दिन पूछा, मैंने कभी विलेजर्स को जो है लोगों को झगड़ा करते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने विलेज में सबको गॉड से प्रे करते हुए देखा है, मीन्स जो है भगवान की आरती करते देखा है। बट हमारे विलेज में, अब आपके विलेज में ऐसा क्यों होता है कि सब लोग झगड़ा करते हैं, सब कुछ जला देते हैं? तो वो प्रेम ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, प्रेम सॉरी हाँ, तो मैं आपको पाम्बूपत्ती की पूरी स्टोरीज बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरी पाम्बूपत्ती की स्टोरी बताता हूँ। उसने बोला, ओ ग्रैंडफादर, मैंने बोला जो राइटर बता रहे, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। तो मेरे विलेज में सब लोग मेरे से शेम करने बोलते, मीन्स मेरे को जो है शर्म दिलाते हैं और
बता रहे अबे पोयट कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, बट दैट एक्चुअली यू एग्जैक्टली यू वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस. आई केप्ट क्वाइट. I don't want to argue with him and I wanted to hear this his story. Writer ने बोला मुझे कुछ, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं क्वाइट बैठा रहा, मुझे उनकी स्टोरी सुननी थी. ठीक है, तो अभी स्टोरी देखो पामुपति की. बहुत 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 पहले जो है वहाँ पे हमारे गांव में पाम्बूपति में कोई स्कूल नहीं होते थे, कोई टीचर्स नहीं थे. चिल्ड्रन जो है वो जंगलों के जो है केव होते ना, केव वहाँ पे रहते थे. पेरेंट्स जो थे मतलब जो मम्मी पापा थे उनके, उनको काम लगाते थे, फल ये सब कलेक्ट करने बोलते थे. वहाँ पे कोई टाइगर भाइगर कुछ नहीं था, एलिफेंट नहीं था या पैंथर्स, ऐसा कुछ नहीं था वो पामुपति के फॉरेस्ट में. वहाँ पे सिर्फ रेप्टाइल्स थे, बहुत अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स, जैसे तुमने रेप्टाइल्स के नाम सुने होंगे, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड. एंड यू नो डैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल्स ऑन इट बॉडी एंड इट लेज एग्स. तो तुम्हें तो पता ही है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो उनके बॉडी पे स्केल्स होती है और वो जो है एग ले करते हैं. तो हर महीने जो है रेप्टाइल्स जो थे पामुपति में बहुत बड़ी मीटिंग करते थे और सब लोग वहाँ पे आते थे. जो एकदम अलग अलग सांप देखने मिलते थे, थोड़े छोटे छोटे मीन्स स्लो स्लो चलने वाले टॉर्टोइस देखते थे, क्लेवर लिजार्ड्स देखते थे. ठीक है, तो आप ये देख ही सकते होगे. ठीक है, ये सारे रेप्टाइल्स हैं. ठीक है, तो अलग अलग मूडी क्रोकोडाइल्स, ग्रम्पी. तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट था इस मीटिंग का वो था मकारा, जो बिग, जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था वो फॉरेस्ट का. ठीक है, सारे एनिमल्स जो थे वो बहुत अगर जो मकारा है वो मीटिंग में नहीं आता तो वो मीटिंग की नहीं जाती थी. व्हेन समवन इज स्ट्रांग एंड पावरफुल यू नो इट्स डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज. तो अभी आपको पता है अगर आप कमज़ोर रहोगे सो आपको कहीं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा बताया आप. ठीक है, तो जो पावरफुल लोग होते हैं, स्ट्रांग पीपल्स होते हैं, वही एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, वही आगे आते हैं. ठीक है ना. नाउ वन डे वन स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. एक दिन कुछ स्ट्रेंज चीज़ हुई. एक वीक में, हर वीक में मंथली मीटिंग्स होती थी. मकारा से एक लेटर सेंड किया मकारा ने टोटोइस को, पूछा कि तुम इस बार मीटिंग में क्यों नहीं आए. तो अहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस. अहिस्ते जो है वो एकदम बड़ा सा स्टार टॉर्टोइस है, ब्लैक और येलो पिक्चर्स के साथ उसका शेल है. बहुत एंग्री था वो. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है. उसने चिल्लाया हाउ डेयर दे, बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइस हैड द करेज टू अटेंड टू मीटिंग. तो उन लोग बोलते कोई टॉर्टोइस जो हमारी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, दे आर बहुत ये अलग कम ही होते हैं. ठीक है, ये मीटिंग होने से पहले एकदम बड़ा सा मकारा जो था वो अपने दांत को पॉलिश करता था रेड फ्लावर्स के साथ बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड. ठीक है, सब लोग जो थे मीटिंग में बैठे रहते थे, देखते थे. ब्रदर एंड सिस्टर्स ही बिगेन और द रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा. जो किंग था कोबरा वो भी बात करने से चुप हो गया. मकारा जो था वो कंटिन्यू उसकी स्पीच करता था और आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइस. हमने डिसाइड किया कि हमें टॉर्टोइस की कोई ज़रूरत ही जो नहीं है. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टूडे. मैंने उनको बोला आज मत आओ तुम लोग. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस. ब्रदर एंड सिस्टर ने पूछा कि क्यों हमें टॉर्टोइस नहीं पसंद. रेप्टाइल्स बोले इसका भी एक वे है. उन लोग जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं वो एकदम झटकीले होते हैं. ठीक है, जो रिजार्ड्स होते हैं उसके जो व्रिंगल्ड टेल्स होते हैं. ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके बड़े से ओपनड जॉ होते हैं. ठीक है ना. बट सेड वन लिटल रिजार्ड, एक छोटे से लिजार्ड ने बोला नो बट्स नो, शाउटेड मकारा. फिर
चिल्ला के बोला कि नो बट्स, देयर वॉज साइलेंस। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल। मैं सोचा ये बेबी क्रोकोडाइल बोला। नो आई थिंक स्क्रीम्ड मकारा। मकारा ने चिल्लाया और बोला नो आई थिंक सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। इतना जोर का चिल्लाया मकारा ने कि जो ऊपर पेड़ को जो ट्री लटके थे ना, वो ट्री नीचा के गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। इसके बाद किसी को कोई भी बोलने की कोशिश ही नहीं किया। मकारा क्लियरली इज थ्रोट, मकारा ने क्लियर किया उसके थ्रोट को। मन ऐसे नहीं करते क्या ऐसे करते ना, सो वैसा मकारा ने किया और उसके कुछ दांत दिखाए। वेल ही सेड आई विल टेल यू, मुझे टॉर्टोइस क्यों नहीं पसंद, ठीक है, क्योंकि वो टॉर्टोइस जो होते हैं वो स्लो होते हैं, स्टूपिड होते हैं। उनके जो हाउसेस होते हैं उनके बैक पे होते हैं, मतलब उनके जो शेल होता है बहुत बड़ा सा जो उन लोग कैरी करते हैं, ठीक है। हु एवर, कौन ये अलग से स्टूपिड थिंग कैरी करके जाता है अपने ऊपर से। नाउ अभी लिजार्ड जो थी ट्री पे, उन्होंने बोला विल यू कैरी अ ट्री ऑन योर बैक। तो उन्होंने बोला, छोटी छोटी लिजार्ड ने उन्हें बोला कि क्या आप, मकारा को बोला क्या आप ये ट्री को आपके बैक पे लेके जा सकते हो। तो स्मॉल फ्रंटेड वॉइस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट, बट उसने बोला नहीं, हम तो इतना बड़ा सा जाइंट सा मोटा सा ट्री कैसे ले सकते हमारी पीठ पे। फिर क्या बोले को, नो बट्स नाउ लिसन, उसने बोला अभी मेरी बात सुनो बट्स, मैंने आपको बोला था टॉर्टोइस जो होते हैं वो पाम्बू पत्ती से आते जाते रहते हैं, जब वो गए तो सब कुछ जो है विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमारे पास ज़्यादा जगह रहेगी, ज़्यादा खाना रहेगा, ज़्यादा पानी रहेगा, ज़्यादा स्पेस रहेगा। वी आई वॉन्ट डैम आउट बाय टुमारो। तो मकाना क्या बोला, मुझे वो जो है टॉर्टोइस हमारे जंगल से निकाल दो, ठीक है, बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, क्योंकि उन लोग थोड़े से स्लो है चलने में, घूमने में, कोई भी काम करने में। तो आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने एक हफ्ता दिया उनको, क्योंकि उन लोग स्लो है, उन लोग जाते हैं फॉरेस्ट से निकल के, एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। बाई नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन द जंगल। मुझे हमें मतलब अगले ट्यूसडे से एक भी टॉर्टोइस इस जंगल में दिखना नहीं चाहिए, एक छोटा सा टॉर्टोइस भी दिखना नहीं चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। अगले ट्यूसडे में जो है सारे टॉर्टोइस चले गए। एट फर्स्ट एनिमल्स वर सैड, एनिमल्स जो थे फर्स्ट बहुत सैड, बट उन्होंने रियलाइज किया जो मकारा ने बोला वो ट्रू बोला, बट हमें कुछ ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जो उनका स्पेस था वो हमें भी मिल जाएगा अभी। बट सून कुछ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, कुछ अलग सी गंदी सी बदबू आ रही थी फॉरेस्ट में, कुछ अलग सा मतलब फ्रूट रोटिंग कर रहे थे ग्राउंड में से, और एनिमल्स रिवर में रोटिंग कर रहे थे। तो ये गंदी सी बदबू जो है ये टॉर्टोइस कर रहे थे, टॉर्टोइस ज़मीन में से निकाल के खाते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया। तो मकारा जो था, इवन मकारा ऑल्सो ही, मकारा को भी अपने नाक जो है पकड़ के बड़ा सा उसके क्लॉज से पकड़ के दबाना पड़ता था, क्योंकि इतनी 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 गंदी बदबू थी। एक महीना चले गया, कुछ सेम थिंग होती रही सब हमेशा, बट इस टाइम जो स्नेक्स थे, मकारा ने लिखा कि एक लेटर की और फॉरेस्ट से कि जल्दी से निकलो, दे हैव टू इन, उनको एक दिन में यहाँ से निकलना चाहिए। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, नागा कौन है, नागा है स्नेक्स का हेड, ठीक है। एट द मीटिंग ही साइलेंस, मीटिंग में, पूरी मीटिंग में वो चुप बैठा रहा, जो रिजार्व थे क्रोकोडाइल्स थे वो भी चुप बैठे रहे। विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड ट्रीज स्नेक्स एंड आर स्माइली, स्नेक्स जो थे वो स्माइली थे, ठीक है। ही से उन्होंने बोला, कुछ फनी नॉइजेस बना रहे हैं इन लोग, किसको ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स चाहिए अपने आजू बाजू, नो वन, किसी ने
किसी ने भी हिम्मत नहीं की मकारा को इतना दुस्साहस करने की, मीन्स फनी फनी नॉइजेस और फनी वियर्ड क्रिएचर्स बनाने के। ठीक है, सो द स्नेक्स लेफ्ट, स्नेक्स भी चले गए। ठीक है, फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड अ लिटिल अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। कुछ टाइम के लिए जो है एनिमल्स जो है वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको स्नेक्स से डर लगता था। ठीक है, यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनर एट यू इट एंड इट लुक वन। तो उन्हें लगता था कि जो स्नेक्स है हमारे खाने कुछ में डाल के पॉइजन डाल के हमें मार देगा। आफ्टर ऑल इसके बाद क्या हुआ सुनो, कुछ वीक्स पास्ट हुए, एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में दिखते रहे, टायर्ड होते रहे। जो रेट्स जो है वो दैट देयर वर नो स्नेक्स, जो रेट्स स्नेक्स किसको खाते हैं स्नेक्स रेट्स, नाउ देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम। रेट्स जो सोचते थे हमारे पास स्नेक्स नहीं है अब हम क्या खाना खाएंगे, ठीक है ऐसा बोलते थे। और उनको वंडरफुल खाना नहीं मिलता था स्नेक्स, वो हर जगह ट्री ग्रास में बुशेस में ग्राउंड में स्नेक्स को ढूंढते रहते थे। दे एट अप एग्स, वो एग्स खाते थे लिजार्ड्स के और क्रोकोडाइल्स के। देयर विल बी नो बेबीज दैट ईयर, इस साल कुछ भी बेबीज नहीं थे क्योंकि स्नेक्स नहीं थे। तो रेट्स जो थे वो अंडे को खा लेते। ठीक है, मकारा खुद ओन करता था एग्स को और उन्हें वो एग्स को खा लेता था। जो मकारा था वो ग्रेट आइडिया था, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स, उन्होंने एक क्रोकोडाइल की मीटिंग कॉल की और से बोला मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, सुनो अब मेरा आइडिया। क्रोकोडाइल्स कुल हैव द होल जंगल ऑफ अवर सेल्फ, क्रोकोडाइल बोला, वो बोला कि क्रोकोडाइल हम तुम्हारा ये पूरा जंगल है, नो वन बट अस, मैं हमारा और तुम्हारा पूरा ये जंगल। दीज लिजार्ड्स नाउ जस्ट लुक एट डैम, फिर लिजार्ड्स उसकी तरफ देखने लग गई। ठीक है, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, उनके पास वो हैबिट थी, वो इतने सालों से वो जंगल में वही जगह पे रहते रहे, कैसे दूसरे जगह पे पास हो जाएंगे उन लोग। ठीक है, लिजार्ड्स देखने लग गई तो वो जो चेंज कलर, फिर सम ऑफ डैम इवन चेंज कलर, कुछ कुछ कलर भी चेंज करते थे। हम उसके ऊपर कैसे समवन के ऊपर किसी के ऊपर कैसे ट्रस्ट करें कि किसी ने ग्रीन कलर चेंज कर दिया एक मिनट में, किसी ने रेड कर लिया, किसी ने अलग अलग कलर का चेंज कर लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा। जो क्रोकोडाइल्स थे बहुत अफ्रेड थे मकारा के। ठीक है, तो उन्होंने क्लैप किया और चीयर किया, मकारा वॉज प्लीज, मकारा जो है था वो प्लीज हो गया। ठीक है, जो लिजार्ड्स थे उन्होंने भी क्या किया, फॉरेस्ट को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, कुछ बेबीज़ उनके जो बेबीज़ थे उसके पास थे बैग्स पे, और अब तो क्रोकोडाइल्स डर गए थे, क्रोकोडाइल्स को डर लगता था मकारा से। ठीक है, एंड देयर वाज टू मैनी फ्रॉक्स, वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉक्स थे। ठीक है, और एक बड़ा सा फ्रॉक था और बेबी क्रोकोडाइल्स थे, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी थे अभी तो ना। कुछ लिजार्ड्स जो थे वो चले गए थे, देयर वर मिलियन ऑफ देम, बहुत सारे अलग अलग थे, तो कुछ कुछ बड़े बड़े हो गए, कुछ कुछ चले गए। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर क्रोकोडाइल्स, वो डरावना टाइम था क्रोकोडाइल के। ठीक है, उन्होंने कुछ हैप्पी फॉरेस्ट होम बनाया उसको। ठीक है, हैप्पी फॉरेस्ट होम बनाया। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ लिटिल बॉयज, तो क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल्स थे वो इससे डरते थे, मकारा से डरते थे। ठीक है, और मकारा बोलता है कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट में सिर्फ क्रोकोडाइल्स और मकारा ही रहेंगे। तो ये सारे मैसेजेस जो है उसने टॉर्टोइस स्नेक्स लिजर्ड्स पूरे बाम्बू पत्ती में बंटवा दिए एनिमल्स में। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन द क्रिएचर्स केम बैक, फैमिली एंड फैमिली, फैमिली आफ्टर फैमिली, विद लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रेचिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। तो क्या अच्छा सा ग्रेट डे था उस दिन, उस क्रिएचर में पूरी फैमिली के फैमिली आ चली थी पूरी। ठीक है, सो उसके उनके छोटे बच्चे उन सब लोग उन जो उनके पीछे चल रहे थे और बुला बोल रहे थे, पेरेंट्स मम्मी पापा हमारे रुको हमारे रुको ऐसा बोल रहे थे।
फिर क्या हुआ, फिर 2 महीने में, 2 के अंदर अंदर महीने में सब कुछ ठीक सा हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। रेट्स जो थे वो चले गए थे, इंसेक्ट्स जो थे वो आ गए, स्मेल जो थी वही स्मेल थी अच्छी वाली, सब लोग फैमिलियर हो गए। वेल प्रेम से द ओल्ड मैम मैन, हैव यू फॉलन अस्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या आप सो गए हो, क्या आपने मेरी स्टोरी ड्रीमलैंड में भेजी क्या। आई शुक ऑफ माई हैंड और हेड, नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम टू आई बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम। फिर ग्रैंडफादर ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपने विलेज वापस जाने का नहीं सोच रहे हो। तो प्रेम ने बोला, मैं अभी तो मुझे अपने विलेज में जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टोरी जो है मुझे अपने विलेजर्स को भी तो बतानी है। वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, बट पर क्या अगर ये स्टोरी मेरी उन लोग सुने नहीं, तो वी कैन ओनली टेल कीप एट इट माई सन दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को बताओ और चाहे वो हंसे या उनको सच नहीं लगे, बट रिमेंबर कि ये स्टोरी असली है, ये एक प्लेस की है, ये स्ट्रेंज है बट पूरे वर्ल्ड के लिए जो है पूरे वर्ल्ड के लिए फनी है। तो दिस पोया सॉरी स्टोरी इज़ रिटन बाय जाई वाइटेकर, ये स्टोरी लिखी गई है जाई वाइटेकर ने, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन हिट लाइक द बटन गाइज एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस स्टोरी एंड If you are new to my channel, then please guys go to subscribe button and subscribe my channel. Let's meet in next video. Till then, take care and bye-bye.